हाय स्टूडेंट्स, 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज हम टॉपिक लेने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिज। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सिंपल एक रिलेशन आएगा, इसमें ज्यादा बहुत ही इजी है समझने के लिए। मान लीजिए कहीं पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लीजिए आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और वहां पे कोई पॉइंट पी है। ठीक है, पॉइंट पी अगर है तो यहां कोई चार्ज आपने रखा क्यू, तो पॉइंट पी पे अगर आपने चार्ज रखा तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू वी पी। तो वेयर यू क्या है, यू इज द पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट P, और Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। वी पी इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर, सिंपल। और अगर कोई कई वर्क डन, अगर मान लीजिए इसी पार्टिकल को हम पी से क्यू तक लेके जा रहे हैं, टेस्ट चार्ज है मान लीजिए, और क्यू पी से क्यू तक हम लेके गए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखना, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा W इक्वल टू क्यू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट वी क्यू माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। सिंपल, तो यहां पे विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आपको हमेशा पार्टिकल को विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना है, इसलिए आपको अपना जो फोर्स है वो हमेशा इक्वल और अपोजिट रखना पड़ेगा द फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, तभी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा और पार्टिकल विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पार्टिकल की सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को स्टडी करना है, यहाँ पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं होगा। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी एंड क्यू इज जीरो, पार्टिकल इज मूविंग वेरी वेरी स्लो फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, यानी कि जो चेंज हो रहा है दैट इज ओनली इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसी एक्सप्रेशन को ये इक्वेशन 2 बना लीजिए, और इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी क्यू माइनस क्यू वी पी, और क्यू वी क्यू का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के बराबर वर्क डन होगा। और एक और चीज ध्यान रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर कहीं भी हम बोल रहे हैं, इस केस में ये बराबर होगा हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्लियर एक ही लैंग्वेज है, यानी कि आप कहीं भी अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलते हो तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी हम वहां पे बोल सकते हैं, क्योंकि हम लगातार फोर्स बना के रखेंगे एफ एक्सटर्नल को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। तो अब यहां पे थोड़ी हम इस चीज को समझने के लिए थोड़ी एनालॉजी डिस्कस करेंगे, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, और अर्थ के सरफेस के ए पॉइंट से मान लीजिए एक बॉडी को आप बी पॉइंट पे हाइट पे लेके जा रहे हो, एच हाइट पे बी पॉइंट पे एम मास की बॉडी को आप लेके गए। तो एम मास की बॉडी को जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो एम मास की बॉडी पे वेट उसका नीचे को काम करेगा, आपको फोर्स ऊपर को लगाना के रखना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट
तो वो उसको आपका एक फोर्स लगाना पड़ेगा, mg के बराबर उसको फोर्स लगा के रखना पड़ेगा विदाउट एक्सेलेरेशन बॉडी को मूव कराना है, तो ये उसका वर्क डन हुआ। तो यहीं पे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड हम क्या लेंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से पार्टिकल पे नीचे को फोर्स लग रहा है, बॉडी ऊपर को मूव कर रही है, तो कोस 180 के हिसाब से यहाँ पे हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मतलब mg है, तो ये माइनस mg h वर्क डन आ जाएगा। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू W डैश, तो W क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, W डैश इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड हियर ऑन द बॉडी। तो दोनों एक दूसरे के, W इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ W डैश, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, यहां पे समझ सकते हो। और ये सिर्फ समझने के लिए है, अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि हम यहां पे सिर्फ समझने के लिए इसको बना रहे थे। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको, दोबारा देख सकते हो वीडियो, क्योंकि ये चीज हमने सिर्फ समझने के लिए यूज की है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल तो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है इस यूनिट में, और इसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को बार बार पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमने फील्ड पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। तो हमारा डायपोल है ए बी, ठीक है, 2a लेंथ है, माइनस q चार्ज प्लस q चार्ज, और इसके एक्सिस स्पेस के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है, वहां हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल अगर निकालना है p पॉइंट पे, तो हमें एक्सियल v एक्सियल कह सकते हैं, तो p पॉइंट पे प्लस q चार्ज की वजह से पोटेंशियल, P पॉइंट पे माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व, तो प्लस Q की वजह से पोटेंशियल, Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो यहां पे K पॉजिटिव चार्ज, R का मतलब उसकी डिस्टेंस प्लस Q चार्ज से, और प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस हुई R माइनस A, और माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल क्या होगा, के माइनस क्यू, और माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट के डिस्टेंस है आर प्लस ए। तो ये फॉर्मूला लग गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, के क्यू कॉमन वन अपॉन आर माइनस ए वन अपॉन आर प्लस ए, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और ये आएगा हमारा के क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और q इंटू टू ए को आपको पता ही है, p लिख सकते हो, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो k p अपॉन k p डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और ये r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर यही पार्टिकल मान लीजिए माइनस q चार्ज की तरफ होता इतनी डिस्टेंस पे p डैश, तो फिर यहीं पे माइनस में इतना ही पोटेंशियल होता, तो v एक्सियल को जनरली हम लिख सकते हैं प्लस माइनस k p अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल हो गया एक्सियल पॉइंट पे किसी भी, और वेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो फिर R स्क्वायर के मुकाबले हम ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो वी ए एक्स आ जाएगा प्लस माइनस के पी अपॉन R स्क्वायर। तो सिंपल रिलेशन, इक्वेशन नंबर वन, ये भी वन का ही पार्ट है, वन ए कह सकते हैं, और यहां पे हम देखते हैं कि वी एक्सियल हमेशा प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन R स्क्वायर के, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा डायपोल की वजह से, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर सिंगल चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल लिया था उसे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे, तो उस पोटेंशियल वो दैट इज वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर था, लेकिन पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे डायपोल की वजह से वन अपॉन आर स्क्वायर आता है। इसका मतलब एक ज्यादा रेट से टू पावर वन अपॉन आर स्क्वायर के रेट से पोटेंशियल डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। क्लियर थोड़ा, अब आगे, अब यहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे फिर हम निकालते हैं, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल,
दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं और इक्विटोरियल प्लेन में कोई भी पॉइंट ए पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे होगा बी से भी उतने डिस्टेंस पे होगा, तो ए पी विल बी इक्वल टू बी पी। तो जितना प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल आएगा उतना ही माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल आएगा, तो दोनों का सम आएगा जीरो, क्योंकि माइनस क्यू से उतना ही नेगेटिव आएगा। तो हमेशा याद रखना इक्विटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जीरो ही रहेगा। तो इक्वेशन नंबर टू, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, एक्सियल पॉइंट पे के पी अपॉन आर स्क्वायर आया है और इक्वेटोरियल प्लेन में ये जीरो आया है। लेकिन जो मेन है हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी पॉइंट निकालते हैं, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बनाते हुए उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और वहां हमें उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से। ये डाइपोल है आपका ए बी और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे इसके डाइपोल मोमेंट से या डाइपोल एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए हमने पी पॉइंट लिया, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मेथड वही है हमारा कि हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे लेकिन दोनों चार्ज के सम की वजह से, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे और पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। क्लियर? अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला है कि क्यू और डिस्टेंस क्या है, प्लस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस है आर वन, ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पे आर वन हमने लिया एपी इजिकल टू नहीं बीपी इजिकल टू आर वन और माइनस क्यू चार्ज से के माइनस क्यू अपॉन आर टू। जब भी हम डाइपोल की स्टडी करते हैं ये चीज ध्यान रखना, हम डाइपोल मोमेंट को लेफ्ट टू राइट दिखाने के लिए माइनस चार्ज को हमेशा लेफ्ट में और पॉजिटिव चार्ज को हमेशा राइट में रखते हैं। ये थोड़ा कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है आप उल्टा ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कन्वेंशन अगर आप रखोगे तो आपको डायरेक्शन में ज्यादातर लेफ्ट टू राइट लोगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने निकाला, अब देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि क्यू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यहां पे स्क्वायर नहीं है सॉरी ये आर टू है, आर टू तो ये आर टू और इसको आप सॉल्व करो तो के क्यू आर वन आर टू माइनस आर वन, सिंपल इक्वेशन जो भी आपकी मान लीजिए थर्ड बनाई आपने ये। अब यहां पे अगर हम देखते हैं कि जब हम डाइपोल की बात करते हैं नेचुरली अक्रिंग डाइपोल्स जो होते हैं ना वो मॉलिक्यूल्स में होते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पे नेचुरली अक्रिंग डाइपोल्स सच एज possessed by molecules are very small so r is very very greater than 2a, यानी कि dipole size से r की distance बड़ी होगी generally, तो under these conditions R2 minus R1 approximately equal to होगा 2a cos theta। अब इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे क्यों होगा, और R1 R2 is equal to होगा approximately R square, तो थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्योंकि डाइपोल के साइज के मुकाबले A से B का जो डिस्टेंस है R उससे बहुत बड़ा होता है, तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि P पॉइंट जो है वो A O और B से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो A P O P और B P ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, 2P ये तीनों पैरेलल जाएंगे एक दूसरे से, तो अगर हम ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये भी थीटा होगा, और अगर हम बात करते हैं कि ये 2a है ए बी की लेंथ ये थीटा है, तो r2 माइनस r1 ये डिस्टेंस होगी क्योंकि ए सी और मान लीजिए ये पॉइंट है d और b, c d और b से आगे तीनों लाइन बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे, इसका मतलब जो आपका r2 है
ए पॉइंट से जो पी की डिस्टेंस है वो ए सी अमाउंट से ज्यादा है आर वन से, तो ये आर टू माइनस आर वन हो गया आपका, यहाँ पे भी आर टू माइनस आर वन, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। और ये बराबर किसके होगा, तो अगर ये टू ए है, ये एंगल थीटा है, तो आर टू माइनस आर वन टू ए कोस थीटा। और इसी तरह से हमारा जो आर टू है, अगर मैं यहां पे बात करूं, आर टू की वैल्यू आर से ए कोस थीटा ज्यादा है। हम यहां पे देखें, ये टू ए कोस थीटा है ए सी, तो ओ डी, ओ डी मैंने यहां पे डी पॉइंट लिया है, ओ डी जो है ए कोस थीटा है, तो आर टू की वैल्यू आर प्लस ए कोस थीटा, और आर वन की वैल्यू आर माइनस ए कोस थीटा। तो अगर R1 R2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A तो इट इज अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर। तो आपको इसे करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो आर वन आर टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। देन Substituting these values in equation third, then from equation third we get, तो क्या मिलेगा आपको, v इज इक्वल टू के क्यू, और यह आ जाएगा टू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक बार रिलेशन देख लीजिए, P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है प्लस चार्ज की वजह से माइनस की वजह से, दो के क्यू अपॉन आर वन, के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर टू माइनस आर वन, आर वन आर टू, आर टू माइनस आर वन को, क्योंकि ये जो पॉइंट P है R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए, तो ए पी ओ पी एंड बी पी आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आर टू माइनस आर वन टू ए कोस थीटा, आर वन आर टू अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर, या हमने प्रूव भी करके दिखाया, जरूरी नहीं है आपको ये करना हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है दिखाना कि R1 R2 इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 R2 इज अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर। देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट दिस, अब थोड़ा नेक्स्ट पेज पे इसी एक्सप्रेशन को लेके जाएंगे और हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, इसका मतलब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, कि Q इंटू टू ए को आप P लिख सकते हैं, तो P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, सिंपल ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, आपको ये आपको एक्सप्रेशन हो गया, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। और अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा वेक्टर में भी लिख सकता हूं, क्योंकि P वेक्टर है हमारा, R यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यू कैन से OP, और ये R स्क्वायर, और इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करके अगर मैं कंप्लीट वेक्टर में लिखू तो K P R कंप्लीट वेक्टर, तो अगर मैं इसको R कैप को R वेक्टर लिखूं डॉट प्रोडक्ट में, अगर मैं इसको R वेक्टर R यूनिट वेक्टर को R वेक्टर लिखता हूं, तो मैंने R से मल्टीप्लाई किया, तो R से नीचे भी मल्टीप्लाई करना, तो ये रिलेशन एक ही बात है, एक ही रिलेशन है, फोर्थ A फोर्थ B, तो ये सब एक ही रिलेशन है, इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, अब कोई कह सकता है कि ये तो जनरल पॉइंट है, तो इससे हम स्पेशल केस ही थोड़ा स्टडी करेंगे। फर्स्ट, इफ पॉइंट पी इज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल दैट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, ये समझ आ रहा है आपको, इतना मुश्किल नहीं है, आराम से समझ आ रहा होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री हो सकती है 180। तो अगर हम इक्वेशन फोर से देखें तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस, और ये वही रिलेशन है जो हमने एक्सएल में निकाला था, वी एक्सएल सेम रिलेशन आ गया, इक्वेशन ना भी बनाओ ऐसे समझ लो इसको। और नेक्स्ट देखिए सेकेंड पॉइंट, इफ पॉइंट पी, पॉइंट पी इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, प्लेन ऑफ डाइपोल दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब थीटा 90 तो इक्वेशन फोर से रिलेशन ई इक्वेटोरियल जीरो आ जाएगा, ये हमने पहले भी निकाला था, ठीक है। तो जो हमारा फोर्थ इक्वेशन है इससे हम
एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट की भी बात कर सकते हैं। तो क्लियर है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे, और ये जो थर्ड पॉइंट हमने किया ना, जनरल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, ये ही पूछा जाता है जनरली, और इसी से हम बाकी दोनों रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हम देखते हैं, जब हमने कोई थ्योरी पढ़ी और उसको थोड़ा सा अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आप देखिए, मान लीजिए ये है, ए शॉर्ट डाइपोल है डाइपोल मोमेंट ऑफ 4×10⁻¹⁹ कूलम मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन। सेकेंड, ऑन ए लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 60° विद द डाइपोल एक्सिस। तो आपने अभी पढ़ा था कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो नोट कर लीजिए। डाइपोल मोमेंट गिवन है, एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन को। आर दे रखा है, इस डिस्टेंस पे आपको चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से। एक्सेल लाइन पे चाहिए फर्स्ट पॉइंट में, सेकेंड में आपको थीटा 60° पे इतनी ही डिस्टेंस पे डाइपोल चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो आप फॉर्मूला देखे कौन सा लगेगा, तो अभी पढ़ा था आपने, V इज इक्वल टू होता है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर फॉर डाइपोल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। तो क्वेश्चन में K की वैल्यू आपको पता है, वैक्यूम के लिए 9×10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी कि SI यूनिट में ये वैल्यू होगी। P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4×10⁻¹⁹। कोस थीटा का मतलब यहाँ पे कोस 0 हो गया अगर आप एक्सेल लाइन की बात कर रहे हो, और 0.3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे और आंसर आपका वोल्ट में आएगा, क्योंकि आपने SI यूनिट ली है सारी, तो आंसर अपने आप वोल्ट में आएगा। अगर आप इसे सोल्व करना तो यू विल गेट 400 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन, इसी डाइपोल की वजह से इतनी ही डिस्टेंस पे लेकिन एक एंगल पे, एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए 60° बनाते हुए आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला तो सेम है, डायग्राम आपने बना ही रखा समझने के लिए। तो के इज इक्वल टू 9, वैक्यूम के लिए 9×10⁻¹⁹, 4×10⁻¹⁹ पी की वैल्यू, कॉस थीटा का मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और आर स्क्वायर का मतलब 0.3 स्क्वायर। तो बाकी सारी वैल्यू वही है जो पहले आपने एक्सप्रेशन में, बस 1/2 फैक्टर यहाँ पे आएगा, तो आपको दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारी फैक्टर वही है। 1/2 इसमें ऐड हुआ तो 400/2 200 वोल्ट। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आंसर आपके आ गए। तो इस तरह से अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिज आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे। अब हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसिज का, अगर हम वर्ड मीनिंग पे ही जाते हैं तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिज का मतलब क्या हुआ, तो ए एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, तो नाम से ही पता चल रहा है, इज ए सर्फेस, इज ए सरफेस विद ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, विद अ कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस। तो एक भी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जैसे हम बात करते हैं एक पॉइंट चार्ज की, क्यू चार्ज, हमें पता है अगर कोई पॉइंट पे आपने रखा क्यू चार्ज और उससे ये ओ पॉइंट पे, और आपने पी पॉइंट पे से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की बात की, तो यहां आपने फॉर्मूला निकालता के क्यू बाई आर। लेकिन ये पी पॉइंट तो आपके किसी भी एक्स पी पॉइंट, यहां पे इतनी दूरी पे अगर मैं पॉइंट लू, इधर भी पॉइंट लू, इधर भी पॉइंट लू, इधर भी पॉइंट लू, इधर पॉइंट लू, इधर लू, तो ये अगर थ्री डायमेंशन बात करें तो एक स्फीयर बन जाएगा जिसके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे।
इससे और इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत सारी बनाई जा सकती है चार्ज की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सरफेस यहाँ पे जो इक्वी ये आप सरफेस बनाओगे स्फेरिकल, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, थ्री डायमेंशनल बनेगी। यहाँ पे तो हम 2D ही दिखा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने सिंगल चार्ज की बना रखी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे दिखाई है डायग्राम में। तो डायग्राम ए में हम क्या देख रहे हैं, प्लस चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये जो आपने डॉटेड लाइन से बनाई है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। टू डायमेंशन इसलिए सर्कल है, वरना ये स्फेरिकल है, इसलिए इसका स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं सिंगल चार्ज की वजह से। अगर पॉजिटिव है तो एरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बाहर की तरफ होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो एरो अंदर होते, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी स्फेरिकल ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती। ठीक है, तो ऐसी बनेगी, बस इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एरो अंदर की तरफ, इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम बनेगी। तो ये डॉटेड से जो हमने दिखाई है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही जाए। अब अगर दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कंटिन्यूस लाइन हमने दिखाई है, और ये जो डॉटेड से हमने दिखाया है ये स्फीयर नहीं होंगे, अंदर की टाइम स्फीयर से थोड़ा ये डिस्टॉर्टेड होंगे, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ये थोड़ा कैंसिल करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बीच में जैसे जैसे आप इनके जाओगे पोटेंशियल एक की वजह से दूसरे का कैंसिल होगा। तो बाहर की तरफ को ये देखिए आप, इनकी रेडियस बढ़ती जा रही है, अंदर की तरफ कम है बाहर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस लाइन से दिखाई है, और ये जो डॉटेड लाइन से है हमने इनकी पोटेंशियल दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेज बनती है अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, और अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये जो पैरेलल प्लेन्स हैं यहाँ पे ये फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है, पैरेलल प्लेन्स एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट ऑल प्लेस। ये चीज ध्यान रखना है, और जैसे जैसे ये ध्यान रखना कि अगर यहां मैं कहूँ ना इसकी पोटेंशियल V है इस सरफेस का हर जगह पे, तो इससे आगे वाली का V माइनस dV हो सकता है, उससे आगे वाली का V माइनस 2 dV। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज का पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे। क्लियर है, इन्हें थोड़ा स्टडी करना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी नो वर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो वर्क इज डन ऑन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। ध्यान से समझना, देखो एक टेस्ट चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करा रहे हो और उस पर आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंपल, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप ये कहे आपकी कैसे होगा, तो इसका एक प्रूफ भी डाल दो यहाँ पे, आप समझा दो इस चीज को कि भी क्यों नहीं करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये आपकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इस पे आपको एक पार्टिकल को यहां से यहां लेके जाना है, तो आपको मान लीजिए पी पॉइंट से क्यू तक लेके जाना है, और इस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल वी है। तो वर्क डन क्या होगा चार्ज पार्टिकल पे, तो वर्क डन हमने पढ़ा था क्यू इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो क्यू चार्ज है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल भी वी होगा इनिशियल का, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है तो
क्यू पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा जो वी पॉइंट का है। और ध्यान रखना चाहे आप किसी रास्ते से जाए, बस पी से क्यू जाए, पाथ चाहे बाहर से भी किसी और सरफेस से भी होके आ जाए कहीं और से, लेकिन अगर आप फाइनली इनिशियल आपका इसी सरफेस पे पॉइंट है और फाइनल इसी पर पॉइंट, इस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आपने ये पहले भी पढ़ा है। तो यहां पे वर्क डन हो जाएगा क्यू इंटू जीरो, तो आपको जीरो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी भी रास्ते चाहे सीधे जाओ यहां से, चाहे यहां से घूम के जाओ, अगर पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे आप फाइनली पहुंचे हो तो यू हैव टू डू नेटवर्क जीरो ऑन द चार्ज पार्टिकल, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है आपको पता ही है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा आपका वर्क डन, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नोट कर लेना। पाथ दो है यहाँ पे, लेकिन वर्क डन जीरो ही रहेगा। आपको देखना है बस इस बॉडी चली कहां से पहुंची कहां, बस वहीं का पोटेंशियल देखना है, बीच रास्ते की बात ही नहीं करनी हमें। कंजर्वेटिव फोर्सेज है, हमें इसका मतलब हमें पता है कि वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, उस पर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए भी हम ये देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो हम इससे अलग प्रूव करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कोई एंगल बना रहा है, मान लीजिए 90 डिग्री डायरेक्शन तो ये है और के पैरेलल डायरेक्शन ये है सरफेस की, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होगा, इसका मैग्नीट्यूड ई कॉस थीटा, और सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी ई साइन थीटा। तो यानी कि आपको पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो मान लीजिए हमने लेट प्रूव करने के लिए जो हमें प्रूव करना उससे हमने अलग मान लिया, और हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे हमने माना है, मान लीजिए ये 90 डिग्री पे नहीं है, लेट ई इज नॉट परपेंडिकुलर टू द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी यहां पे जो हम बात कर रहे हैं इक्वी जो ये सरफेस यहां पे दी हुई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है, एंड इट मेक्स एंगल थीटा विद इट। सिंपल। तो अब हम वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो ई के दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से, ई के कंपोनेंट दो हो गए, ई कोस थीटा और ई साइन थीटा। ई कोस थीटा है पैरेलल टू सरफेस और ई साइन थीटा है परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, एक चार्ज को हम मान लीजिए ए से बी पॉइंट पे लेके गए, यहां पे ए पॉइंट है मान लीजिए और यहीं पे बी पॉइंट है कहीं, ठीक है, ए से बी पॉइंट पे हम लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन हम निकालेंगे। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, चार्ज पार्टिकल को आप लेके गए तो वर्क डन होगा, चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा क्योंकि पैरेलल जो कंपोनेंट है वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, क्यू ई कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई कॉस थीटा है, चार्ज क्यू है तो क्यू ई कॉस थीटा फोर लगेगा, और डी आर डिस्टेंस मान लीजिए ए और बी के बीच में है, तो आपने ये वर्क डन किया। और दूसरे तरीके से एंड वर्क डन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, क्यू नॉट चार्ज है आपका और आप वी बी पोटेंशियल माइनस वी ए का पोटेंशियल, ये भी आपने पढ़ा है, लेकिन आपको पता है क्यू नॉट चार्ज है लेकिन वी बी और वी ए तो बराबर है, दोनों के पोटेंशियल वी है, तो ये तो क्यू नॉट इन टू जीरो, तो ये वर्क डन तो हो गया जीरो, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम दोनों इक्वेशन को अगर बराबर करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, भाई सेकेंड इक्वेशन में वर्क डन जीरो है तो क्यू नॉट ई कॉस थीटा इंटू डी आर इसका मतलब जीरो होगा, लेकिन क्यू नॉट तो जीरो नहीं है, क्यू नॉट इज नॉट जीरो,
ई इज नॉट जीरो, डी आर इज नॉट जीरो, लेके गए हो आप पार्टिकल को, इसका मतलब अगर ये सारी चीजें जीरो नहीं है तो कोस थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, और अगर कोस थीटा जीरो है तो इसका मतलब नेसेसरीली थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो आपने प्रूव क्या किया था कि लेट ई मेक्स थीटा एंगल विद द सरफेस, तो इसका और थीटा की वैल्यू तो 90 आ गई, तो आपका जो प्रॉपर्टी थी वो आपने प्रूव कर दिया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड और पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, को दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती हैं, देन देयर विल बी द टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल at the points of intersection and it is not possible, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाए। ओके तो ये तो एक बार प्रॉपर्टी देख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम पार्टिकल को लेके जाते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, ये ऐसे ही हो गई। अगर आप इसे कंपेयर करो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, अगर किसी बॉडी को आप एक जगह से दूसरी जगह लाओ, यू हैव टू डू नो वर्क, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक आपको चार्ज करते हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे आपको वर्क डन डिपेंड करेगा। आप किसी भी पॉइंट से आप यहाँ पे जाइए, किसी भी पाथ से जाइए, इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ होता है, ये आपको पता ही है। और सेकेंड है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपने प्रूव भी किया है। और थर्ड है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो ऐसा कर सकती हैं, करती हैं, तो उन पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन पे दो वैल्यूज होंगे पोटेंशियल को, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आप एक बार देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज इतना ही, थैंक यू।